अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे साथ में सोन तोमर जी हैं। तो हम लोगों का देवास आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज के प्रति जो आए दिन गालियाँ देकर और समाज सरकारी सैनिकों को आए दिन अपमानित किया जा रहा है, उसके लिए हमने एक बीड़ा उठाया है कि समाज में जो हमारे समाज विरोधी अपन आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज की लड़ी है, किसी भी पार्टी का समर्थन न कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, ना तो मैं किसी पार्टी के साथ साथ ना हूँ रहूँगा और ना ही कभी विधानसभा या किसी भी जिले में इस तरह से चुनाव लड़ूंगा। तो क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहाँ जिस स्तर पर वोट की छूट देकर विरोध करें इनको किसी भी स्तर में विधानसभा में नहीं भेजना है, यही अपील करने के लिए और आप सभी का अपना धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। जीवन सिंह जी का आपने उल्लेख किया है, उन्होंने अभी जो बीच में देवास में व्यक्तिगत विशेष के लिए अपन को विधानसभा में किसी का प्रचार नहीं करना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, तो समाज विरोधी लोग हैं उनके मतलब करनी सेना ये समाज समाज का भी हाउस पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे राजपूत समाज को जो करनी सेना के कार्यकर्ताओं को ये जो राजेश सोनकर जी हैं जो भाजपा ने प्रत्याशी बना के उन्हें सोनकर से उतारा है, तो उनका विरोध करने के लिए और अपने राजपूत समाज से अपील करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम अपना संदेश अपने समाज के जन जन युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को जिसने समाज को गालियां दी हो, अभद्र व्यवहार किया हो, वो किसी भी पार्टी से आए आप सब उनका खुल के विरोध कीजिए, उनको काले झंडे दिखाइए, उनका पुतला दहन कीजिए, सामाजिक स्तर पर उसका पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। आप सोनकर विधानसभा की सिर्फ बात कर रहे हैं कि राजेश सोनकर का ही विरोध, तो क्या बाकी प्रदेश में अन्य विधानसभा में विरोध होगा? नहीं, अन्य विधानसभा में जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जो हमारे समाज के विरोधी हैं उनका विरोध करने के लिए हम सभी विधानसभाओं में जाएंगे। हालांकि इन्होंने प्रेजेंट में ही अभी कुछ दिन पूर्व ही किया था, तो सबसे पहले हम देवास पे आए, उसके बाद हम ग्वालियर चंबल संभाग में भी हर जगह विधानसभा में। तो सिर्फ बीजेपी का विरोध हो रहा है फिर कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का भी होगा, जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने उतारा है हम कांग्रेस का भी करेंगे, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपकी मांगे पूरी नहीं की गई उस कारण जो है आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, मांगे भी नहीं पूरी गई। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, वो सिर्फ वास्तव में घोषणावीर की सरकार है। उन्होंने हमेशा घोषणाएं की है और झूठे वादे किए हैं। हमेशा करनी सेना ने जब जब बड़ा आंदोलन किया है भोपाल में, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे समाज के कुछ नेताओं को भेज दिया जाता है और वो झूठा आश्वासन देकर और आंदोलन को शांत किया जाता है, लेकिन ये आंदोलन कभी शांत नहीं होगा। चुनाव तो छोड़ो, चुनाव बाद भी हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सोनकच्छ के अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ ये विरोध देखने को? सोनकच्छ के अलावा भिंड मुरैना में भी जो हमारे समाज के विरोधी नेताओं को उतारा गया है, कुछ उसमें कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और कुछ बीएचपी से भी है, उनका भी हम विरोध करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका परिचय? आपका मेरा संतोष सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना मध्य प्रदेश।